Hello students, welcome you again in my class 9th based on mathematics. In last video we have solved first 4 questions from exercise 2.4. in this class we have solved question number 5 from exercise 2.4 chapter 2 polynomials. So now read question number 5. Factorize these polynomials. All these polynomials are cubic polynomials. किसी भी cubic polynomial को जब आप factorize करना है आपको, तो factorize करने के लिए आपको given polynomial को px के equal put करो और फिर x is equal to 1 put करना है. 1 put करते हैं तो ये सॉल्व करके आ गया 0. अगर 0 आ गया तो x इज इक्वल टू 1 पुट करने पे 0 आता है, तो x माइनस 1 इज ए फैक्टर. और अगर x इज इक्वल टू 1 पुट करने के बाद 0 नहीं आता है तो फिर आपको x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करना है. और अगर x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करने के बाद पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आती है तो फिर आपको x इज इक्वल टू 2 पुट करना है. 2 के बाद माइनस 2, 3 माइनस 3. तो स्टार्टिंग की 2 या 3 वैल्यू पुट करने के बाद किसी ना किसी वैल्यू पर 0 आ जाएगी वैल्यू. ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 पुट करने के बाद पॉलिनोमियल 0 आ गया तो x माइनस 1 इज ए फैक्टर. जो फैक्टर है तो आपको करना क्या होगा, लेट अस डिवाइड पी एक्स बाई एक्स माइनस 1. अब गिवन पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड करना है. x माइनस 1, x पावर 3 माइनस 2, x स्क्वायर माइनस x प्लस 2. और डिवाइड करने के लिए आपको मैंने बताया था पहले इसको अरेंज करना है और फिर उसके बाद इसकी फर्स्ट वैल्यू को लेना है. फर्स्ट वैल्यू को ऊपर लिखेंगे और जिस वैल्यू से डिवाइड करना है उसको भी अरेंज करना है और उसकी फर्स्ट वैल्यू को इसके नीचे लिखेंगे. तो x पावर 3 अपॉन x इज इक्वल टू x स्क्वायर. सो x स्क्वायर को अब आप इस डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करके यहां लिखना है. तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई x, x पावर 3, x स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस x स्क्वायर. अब इसको सब्ट्रैक्ट, और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे. ये कैंसिल आउट, माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 एक्स स्क्वायर, और रिमेनिंग वैल्यू एज इट इज. अगेन यूज प्रोसेस, इसकी फर्स्ट वैल्यू को लेना है और इसके नीचे इसकी डिवाइजर की फर्स्ट वैल्यू को लेना है. माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इज एक्स, तो माइनस एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखना, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स. नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट करने पर, माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस टू एक्स और प्लस टू. अब इस डिविडेंड की फर्स्ट वैल्यू को लेना है, माइनस टू एक्स अपॉन डिवाइजर की फर्स्ट वैल्यू माइनस टू. अब इस माइनस टू को इसके साथ मल्टीप्लाई करके माइनस टू एक्स माइनस माइनस प्लस टू. नीचे की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल, तो रिमाइंडर विल बी जीरो. रिमाइंडर जीरो हो गया. और वी नो दैट डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेशेंट प्लस रिमाइंडर. डिविडेंड जिस वैल्यू को डिवाइड किया है, जो पॉलिनोमियल है वो डिविडेंड, जिस वैल्यू से डिवाइड किया है वो डिवाइजर, और जो डिवाइड करके आंसर आता है वो क्वेशेंट, और रिमाइंडर विल बी जीरो. अब करना क्या है कि एक्स माइनस वन, अब जो ये वैल्यू है दूसरे ब्रैकेट में, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करने हैं आपको. फैक्टर करने का वही मेथड है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. इट मींस ए मींस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी मींस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और कांस्टेंट सी इट मींस माइनस टू. नाउ फाइंड ए मल्टीप्लाई सी, ए मींस वन और सी मींस माइनस टू, सो प्रोडक्ट विल बी माइनस टू. अब माइनस टू प्रोडक्ट इज माइनस टू. अब टू के ऐसे दो पार्ट करने की, माइनस करने के बाद वन आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने के बाद टू आना चाहिए,
हमें इस वैल्यू को स्प्लिट करना है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस टू वन जा टू, टू माइनस वन वन, तो टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एक्स माइनस वन ओपन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस माइनस प्लस, माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज हो जाएगा। नाउ फर्स्ट सेकंड राइट इन फर्स्ट ब्रैकेट और लास्ट टू टर्म्स राइट इन सेकंड ब्रैकेट। नाउ विल टेक कॉमन फ्रॉम फर्स्ट ब्रैकेट एक्स इज कॉमन, जब एक्स कॉमन आ जाएगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन लेने के बाद एक्स और यहाँ टू, टू एक्स को एक्स से डिवाइड कर दो, यहाँ कोई कॉमन नहीं है तो यहाँ वन कॉमन हो जाएगा, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, नाउ एक्स माइनस टू इज कॉमन, रिमेनिंग वैल्यू एक्स प्लस वन, दीज आर फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।